अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज सोनवीर सिंह जी ने एक लेटर राष्ट्रपति महोदय को लिखा है, जो कि उन्होंने अपने खून से लिखा है, कलम से अपने कलम को खून में डुबो कर लिखा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जहां हमने एक तिरंगा यात्रा निकाली जो कि राष्ट्रभक्तों के दिल की बात थी, उनकी राष्ट्र भावना सरोवर बनी थी, जो राष्ट्र के घोष के साथ में, राष्ट्र के बंधन के घोष के साथ में उन्होंने इस कैंपस में एक तिरंगा यात्रा निकाली। और उन छात्रों के साथ क्या किया जाता है, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, सभी छात्रों को सस्पेंड करने की धमकी तक दे दी जाती है विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रभक्ति को, राष्ट्र भावना को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो इसके खिलाफ में राष्ट्रपति महोदय को इसको संज्ञान में लेकर एक उचित कार्रवाई करने के लिए खून से लिखा हुआ पत्र लिखा है, जैसे कि वो उस पर कार्रवाई लें और राष्ट्रभक्ति को यहाँ पर बचाया जा सके, राष्ट्रवादी छात्राओं को सुरक्षा दी जा सके। तो क्या मानते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं आहत पहुँचा क्या है? मैं अपनी कहूँ तो मैं आज इतना अधिक आहत हूँ, क्योंकि जब तिरंगा यात्रा निकाली गई मैं इतना अधिक प्रफुल्लित था कि आज वंदे मातरम और भारत माता की जय घोष के साथ में तिरंगा यात्रा निकाली गई, बहुत ही अच्छा संदेश आएगा। लेकिन हमसे कहा जाता है कि हमारी राष्ट्र भावना, हमारी राष्ट्रभक्ति यहाँ पर यूनिवर्सिटी को बदनाम करने का काम करती है। मैं जानना चाहता हूँ भारत के संविधान से ये विश्वविद्यालय चलता है, क्या भारत का संविधान अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लागू नहीं होता क्या?